1946 अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण क्षणों का है। हालांकि उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण युग की शुरुआत हो रही थी। यह वो मनोहारी सफर है जो 1946 में बालिग गांव, आज के पासीघाट, पूर्व सियांग जिला अरुणाचल प्रदेश में बने प्राथमिक विद्यालय की है। वो समय जब शिक्षा एक दूरस्थ आकांक्षा थी और चुनौतियां अत्यधिक थीं। ब्रिटिश सेना ने अपने शासन के दौरान तब की नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्स और आज के अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री बेस गेराड, जिसे अब रॉइंग गांव के रूप में जाना जाता है, स्थापित किया था। इस क्षेत्र पर अपने मिशन और नियंत्रण को स्थापित करने के लिए उन्होंने बालिग गांव में एक स्कूल स्थापित किया। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस विकास को सीखने और आगे बढ़ने का एक विकल्प के तौर पर अपनाया और स्कूल धीरे धीरे से समुदाय में प्रकाश और ज्ञान का स्रोत बन गई। कठिनाइयां और चुनौतियां तो अनगिनत थे, परंतु सभी प्रतिकूलताओं के बावजूद यहां शिक्षा का सपना पक्का होने लगा था। सन 1946 में बालिग गांव में आदि जनजाति क्षेत्र का पहला मान्यता प्राप्त स्कूल बन चुका था, जो एक छोटा सा बांस और पत्तियों से बना कमरा था। वैसे तो यह स्कूल बांस और पत्तियों से बना था, परंतु शिक्षा की किरणें बालिग गांव में उदय हो चुका था। अरुणाचल प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड्स में सुरक्षित पुराने दस्तावेजों के अनुसार यह पता चला है कि बालिग स्कूल की स्थापना 1946 में हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने स्वर्गीय श्री तोसिंग इरिंग जी को स्कूल के पंडित के रूप में नियुक्त किया था, जिन्हें आज के समय में शिक्षक कहा जाता है। शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, स्कूल के निर्माण के लिए बजट की अनुमानित लागत और स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषय जैसे कि अंग्रेजी आबोर, आबोर गणित, रोमन आबोर और वोकेशनल ट्रेनिंग का वर्णन पुराने रिकॉर्ड में आज भी उपलब्ध है। ये दस्तावेज स्कूल के प्रारंभिक इतिहास और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। चुनौतियां विशाल थीं, लेकिन ज्ञान की प्यास भी अत्यधिक थी। छात्रों को स्थानीय शिक्षक एवं असम से कुछ शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शित किया गया। स्थानीय शिक्षक जैसे कि रॉइंग गांव के स्वर्गीय तोसिंग इरिंग, वह बोगोंग के लोगों के लिए खासकर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी मूल निर्माता माने जाते हैं। छात्रों का पहला बैच 85 छात्रों से मिलकर बना था, जिसमें 70 पुरुष और 15 महिलाएं थीं। प्रथम बैच के छात्र जैसे कि गैन तापक, जामात मतीन तांगू, ओमे मोयोंग देवरी, सुटम तासुंग, ओगम आपुम, ओबंगदाई, तानी इरिंग और कई अन्य छात्रों जो अपने अपने क्षेत्रों में महानता प्राप्त करने में सफल रहे, उनकी धरोहर आज भी जीवित है। किंतु दुखद यह है कि आज उनमें से कुछ लोग हमारे बीच नहीं हैं, और जो जीवित है उनके उम्र काफी हो चुके हैं। वे शारीरिक तौर पे कमजोर तो हुए हैं, परंतु उनका हौसला आज भी बुलंद है और बहुतों को आज भी प्रेरित कर रहे हैं। जो है वो हम लोग के बारे में एक पूर्ति का जमाना था। स्कूल जाने में स्कूल जाने से ऐसे अपने दिल से खुशी से जाता है स्कूल। इस स्कूल के प्रथम बैच एवं अनेक छात्रों ने प्रदेश के सरकार, राजनीति, सामाजिक कार्यों में और कई अनेक ऊंचे पदों में रहकर अपना योगदान दिया। गैन तापक कोमुद जी पासीघाट के आदि कल्चरल एवं लिटरेरी सोसाइटी के प्रथम महासचिव बने और प्रदेश को योगदान दिया था। जमात मतीन तांगू जी IAS कमिश्नर के रूप में रिटायर्ड हुए। ओबंगदाई जी IAS डिविजनल कमिश्नर पूर्वी क्षेत्र के रूप में रिटायर्ड हुए। ओगम आपुम जी पूर्वी ऊर्जा विभाग के मुख्य अभियंता के रूप में रिटायर्ड हुए। पद्मश्री ओमे मोयोंग देवरी जी सांसद, राज्यसभा, APCC के अध्यक्ष और MLA लेकांग के रूप में प्रदेश को योगदान दिया। सुटेम तासुंग जी पासीघाट के पहले MLA बना और प्रदेश को योगदान दिया। तानी इरिंग जी IAS
अरुणाचल प्रदेश सरकार के पशु चिकित्सा और पशुपालन सचिव के रूप में रिटायर्ड हुए। मैं बालक का हूँ और बालक स्कूल में पढ़ता था। मैं हमारा गांव तो तिगरा है, तिगरा बालक। जब तो वहाँ पढ़ाई किया, इसके बाद हम पासीघाट में आ गया। पासीघाट आके वो एक एलपी स्कूल था पुराना जमाने में, वो श्यांग का सामने एक स्कूल था, वहाँ पढ़ाई किया। वो रोइंग से पैदल होके, चप्पल नहीं था ना उस टाइम हम लोग का, तो पढ़ाई टाइम में चप्पल नहीं था, पैर सिर्फ पैर से। जब मेडिकल में आया ना तो अपना चप्पल हम भी लगाया शुरू किया। डॉक्टर बोलता है ये तो गन्ना में वो पड़ने से खराब होगा, बीमार लगेगा बोला। तो हम लोग तो बीमार लगेगा नहीं जानता था, मेडिकल में पढ़ के तो जान गया। तो चप्पल लगाया तो नया नया, तो चप्पल को उधर फेंकता था। हम तो कोई भी नहीं है, पढ़ाने वाला भी नहीं है ना, जैसे तैसे हाजिरा करके कपड़ा बना के विविंग लड़की लोग को बेचने को देके तो पढ़ाई किया। हम सोचा कि पढ़ाई करके काम करके ना, ये हम सोचा ये नहीं सोचा था। पढ़ाई करके जब ट्रेनिंग में आया ना तब सोचा पास होने से हम पैसा जमा करके दार्जिलिंग देखने जाएगा। अभी जो वाले स्कूल का फिर दिन हम जो मनाएगा ना, वो उसका तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। और हम अब पैदल चलने को सीखने से हम ही जाता था। बालिक स्कूल की स्थापना के दो दशकों बाद स्कूल को माध्य स्कूल में उन्नत किया गया। नई इमारत का उद्घाटन 1970 में तब के समय की भारत सरकार के खाद्य और कृषि के उप मंत्री डॉक्टर डाइंग इरिंग द्वारा किया गया था। फिर एक दशक के बाद इसे माध्यमिक विद्यालय में उन्नत किया गया। नई इमारत का विस्तार पूर्व सियांग जिले के तब के उप जिलाधिकारी श्री राकेश मेहता द्वारा 6 दिसंबर 1982 को उद्घाटन किया गया था। स्कूल का विस्तार स्वर्गीय केतम योमसो द्वारा बालिक गांव में अपनी भूमि के दान के बगैर संभव नहीं था। उन्होंने एक महान कार्य के लिए अपनी परिवार की संपत्ति अपनी प्रिय पत्नी की स्मृति में दान किया था। दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस टू दिस इंस्टीट्यूशन दैट आफ्टर 77 इयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, यहाँ हमारे इस बार हमारे प्लेटिनम जुबली जो है मनाने जा रहे हैं, इसके संदर्भ में मैं स्कूल के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये स्कूल जो है 1946 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जब सारे देश आज़ाद नहीं हुआ था उसी दिन से ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ है। और ये स्कूल जो इसका लोकेशन, वहाँ नीचे एक इंग्लिश ब्रिज है, 1967 में शिव कोडंग ब्रिज को बनाया था, उसके ऊपर में जो मेजेस्टिक बिल्डिंग खड़ा है वो है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बालक। इस स्कूल का जो जमीन है, टोटल जो एरिया है 3.6053 हेक्टर्स है। 75 से भी अधिक साल बीत जाने के बाद आज भी बालक स्कूल की कई छात्र सरकारी गैर सरकारी विभाग एवं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्लैटिनम जुबली के इस महत्वपूर्ण मौके पर बालिक सरकारी माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्र और गांव वाले एक साथ आगे आकर विद्यालय के समृद्ध इतिहास और धरोहर का जश्न मना रहे हैं। कई मौकों पर पूर्व छात्र एवं गांव वालों ने अपने अपने तरीके से स्कूल को सहायता प्रदान की और आज भी कर रहे हैं। यहाँ में हमारे डेवलपमेंट जो है, स्कूल का डेवलपमेंट बहुत कुछ डेवलप भी हो रहा है। स्पेशली हम यूएफओ प्रिंस ऑफ 80s बोल के एक उन लोग ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग को भी मैं थैंक्स देता हूँ कि हर एक स्कूल प्रॉब्लम में, जितना भी स्कूल प्रॉब्लम होता है, उन लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमेशा वॉलंटरीली आगे आते हैं। जैसे गिडांग आंगोंग सोसाइटी है, जैसे बहुत कुछ हमारे क्लासरूम जो एकदम ऑक्सन कंडीशन में था, वो सबको कम से कम यहाँ
स्टूडेंट लोग पढ़ सके ऐसा क्लासरूम बनाया और एक ऐसा गेट भी बनाया मेन गेट को ना सुंदर सा डिजाइन लेके अच्छा से बना दिया है। तो इसीलिए जितना भी यहाँ का पीपल्स ऑफ बोगोंग बांगो शुड पार्टिसिपेंट इन कमिंग सेलिब्रेशन प्लेटिनम सेलिब्रेशन ऑफ बालक सेकेंडरी स्कूल टू बी हेल्ड जल्दी से जो होने वाला है इसी में शामिल हो। बालक स्कूल सिम मोलुगे एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट रेकग्नाइज इदागम 1946 देलो इतुंग देलो 1946 स्कूल सिम रेकग्नाइज इमांगा बालक स्कूल सिम देलो आसामिस इतुंग दोइंग मागो नाम लुबितुंग देलो आसामिस टीचर ये ना किधर देख बोल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे परमानेंट सकोरी पे मंग बोल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो केनला पोरी इनला इगेला अरुणाचल आमी हिकाई पे मला बोल मागोला स्कूल देल आला बोल कम स्कूल देल पोराई तुम दे पोराई ना आमी किधर दे आमुने मो आला मतुम आकोने अतुल बोरगोहाई आकोने भुवनेश्वर हजारिका बुनी हो बालक स्कूल सो ये तुमका देलोक बुनी ये रंग मोलुगे बालक स्कूल सिम बालक स्कूल बालक एलपी स्कूल हमला लुलेन दाग देलो मोलुगे तोसिंग इरे बे आदित्य सर फर्स्ट आदित्य सर तोसिंग इरे तोसिंग इरे बे हो को किधर पढ़ाला स्कूल एम इबोतो आयरूप इबोतो कोनो मन्नो का आमिए सिस्टेमेटिक लोग इबोतो आरो डिसिप्लिन लोग इबोतो बालक स्कूल एम मोल मुयुम सिडुंग आरो येगे न किधर कोई डुंग बालक स्कूल हो फर्स्ट प्रोडक्ट गई देर दिन न कमिश्नर सेक्रेटरी पे इला इतना वर्लो अरुणाचल का आमिए में केंगे बोला येगे बोतो आमी तक कम पोरी किमांग आदा लोग पोरी को एक ता हेरिटेज स्कूल को पर बालक स्कूल ते इडूं दलो ओरना सालों कोम स्कूल है कतो मुल कोम क्यों पे नमो कतो किंतु स्कूल बजा कम हे मीना स्कूल सिम है मोलु कपे इला के मोलो मरोमियन उम्दोसो मुझे लंकुला मोलु के स्कूल एस एम सी चेयरमैन है बानीपुर में देलोक मुलुक प्रिंसिपल है कालम इरिंग बुझी तकाम हम लोगों के बोला अंकुल बोंग हम यम गोकडोम हिला के बांग इकु नम है मुलु सिलो प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन डे मेगा प्रोग्राम पंगल इपल आ गये दो बालक स्कूल इज जस्ट अ सेकेंडरी स्कूल बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट अपॉन इट्स ग्लोरियस पास्ट एंड लेगेसी We are really proud of it. The product of Balak School has immensely contributed, more particularly in the early days of NEPA administration, whether it be in the field of administration or taking up political leadership or in the arena of socio-cultural reformation. I wish the name of Balak Secondary School grow more bigger and bigger in the days to come and continue to inspire us. Aaj, jab Balak Sarkari Madhyamik Vidyalay अपनी प्लैटिनम जयंती मना रहा है तो यह शिक्षा समुदाय का साझा प्रयास और एक बेहतर भविष्य की ओर सजीव सबूत है। भारत की स्वतंत्रता से पहले बालक में स्कूल की स्थापना की कहानी हमें यह बताती है कि शिक्षा सबसे कठिन परिस्थितियों में भी फल फूल सकती है और एक उज्जवल कल की ओर मार्ग प्रशस्त कर सकती है।